मुझसे दूर ना रहो। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर, जो कि वीडियो एडिटिंग का टाइटल ये होने वाली है ग्लो पेंडुलम टेक्स्ट वीडियो एडिटिंग, जो कि आपको प्रीव्यू पहले ही मैं दिखा चुका हूं। तो मैं उसी टाइप का भी वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। और मेरे यूट्यूब पर आप नए आए हुए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिकार्ट ओपन कर लेना है। पिकार्ट अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पिकार्ट ओपन कर लेता हूँ। पिकार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस कर लेना, प्लस में आने के बाद एडिट फोटो कर लेना और यहाँ से अलाउ कर लेना है। यहाँ पे आपके सबसे पहले फ़ोटो में आपको बैकग्राउंड में ऐड करना है यहाँ पे ये वाली। तो यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड नहीं करना है। यहाँ पे PNG मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे साइज़ सबसे पहले ले लेंगे। यहाँ पे साइज़ या तो स्टोरी साइज ले लीजिए या तो 16:9 लेके इसको रोटेट कर लो आप और इसको टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक PNG ऐड करना और सॉन्ग के हिसाब से जो भी आपको स्टिकर या PNG डाउनलोड करना है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दो चीज़। तो गैस यहाँ पे मैंने दो चीज़ ऐड कर लिया। मैं अभी सबका PNG है जो कि मैं इसको आपको दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कुछ अलग टाइप का भी फ़ोटो लगाना है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे अभी ये PNG रहता है लेकिन ये होता नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पिकार्ट में आपको रिमूव बैकग्राउंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेट लगाइए और यहाँ से आपको ऑनलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा भी यहाँ पे ये ऐड कर लेता हूँ, और ये भी जो भी मैंने अभी टेक्स्ट यूज किया हूँ ये भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से आपको टिक कर देना, ठीक है? इतना कर लेने के बाद जो भी आपके स्टेटस में जो भी लाइन है सॉन्ग के, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से वो लिख लीजिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर वाइट कर लेना, और उसके बाद मैं फ्रंट में आने के बाद यहाँ से जो भी आपको फ्रंट अच्छा लगे अपने हिसाब से उसको डाल लेना। मैं यहाँ पे रिसेंट में ही कोई फ्रंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आपको जो भी फ्रंट अच्छा लगे उसके हिसाब से ऐड कर लेना है। और जैसे कि आपको यहाँ से अगर इसको नीचे करना चाहते हैं यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, और इसमें तो ये आपको इतना करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे टिक करके यहाँ से आगे जाइए और यहाँ से गैलरी में सेव कर लेना। तो ठीक है, मैं पहले से सेव करके 2-3 फ़ोटो रखा हूँ तो मैं डायरेक्ट उसको उसी में बताता हूँ। और चलिए डायरेक्ट चलते हैं कैप कट ऐप के ऊपर। तो कैप कट चलाने से पहले आपको VPN एक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कोई भी एक VPN डाउनलोड कर लेता हूँ प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर मैं मोस्टर करके एक VPN आता है, मैं वो मोस्टर VPN सर्च कर लेना है यहाँ से आपको, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ इसको। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद एक वो आपको ऐड मिलने वाले, ऐड को भी वहाँ पर देख लीजिएगा पूरा, जिससे वो कनेक्ट हो जाए आपको पूरी तरह। तो चलिए मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे मेरा VPN ऐड हो गया। तो यहाँ पे ऐड हो गया है तो ऐड आ गया था ना, वो ऐड को आपको स्किप करके चलाना। तो मेरा VPN ऐड हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कैप कट, आपको ऐप मिल जाएंगे जो कि गूगल पे मिलेंगे, आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। तो ये आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है और जो कि आपको गूगल से ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं पहले से एक प्रोजेक्ट रखा हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट बता देता हूँ, और मैंने उसमें जो जो सेटिंग मैंने ऐड किए वो चीज़ वहाँ से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जिससे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम का भी थोड़ा सा बचत हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी लाइन में है तो वो लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। और मैं एक और चीज़ वहाँ पे ग्लो पेंडुलम आपको टेक्स्ट वीडियो एडिटिंग बताया था, इसमें आपको करना यहाँ पे सबसे पहले आपको पेंडुलम का इफेक्ट यूज करना है, इफेक्ट है या जो भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग को अपने हिसाब से यहाँ पे सॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे मैंने सभी फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ।
उसमें और कुछ कुछ फ़ोटो मैं एक्स्ट्रा भी यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सब फ़ोटो का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ऐड किया हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एनिमेशन यूज किया हूँ। यहाँ पे एनिमेशन में इन में ही दो चीज़ ऐड करके रखा हूँ। मैं देख लेता हूँ क्या क्या मैंने यूज किया हूँ। ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं है, कॉम्बो भी मिल जाएंगे आपको। कॉम्बो में ही पेंडुलम फर्स्ट है और सेकेंड में पेंडुलम टू। मैंने सभी में यही चीज़ करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक फ़ोटो को थोड़ा अलग इफ़ेक्ट डाला हूँ, जो कि इफ़ेक्ट का नाम ये है। तो ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए वो इफ़ेक्ट भी आप यहाँ से सॉरी एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है पेंडुलम वन टू करके, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट यूज किया हूँ। यहाँ पर इफ़ेक्ट का नाम है यहाँ पे फायर फ्लाई करके, आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे कहीं पर। मैं इसमें देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर फ्लाई करके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आ गया तो यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ इसको। अब इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट से एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे मैं प्रोसेस यहाँ पे है। और एक और बात, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट पे आपको यहाँ से फ़ोटो का साइज मतलब सॉरी वीडियो साइज़ ले लेनी है 9x16, तो आप वो भी कर लीजिएगा। और जो फ़ोटो आपको यहाँ पे वीडियो साइज़ को करना है तो अप डाउन छोटा बड़ा यहाँ भी इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसको मैं डायरेक्ट एक और ऐप है उसमें डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो गाइस ये ऐप भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे या तो प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है नोट वीडियो। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आपको सॉरी पी कट नहीं, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे नोडी नोड वीडियो एडिटर ऐप का नाम है। तो ये आपको सिंपल से यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ से मेरे एक अपडेट बोल रहा है तो मुझे अभी अपडेट नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करिएगा और डायरेक्ट आपको ऐप में जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे कैप कट का, तो वो ये डायरेक्ट इसमें प्रोजेक्ट में आइएगा। प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो ओपन करने से पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे ये वीडियो साइज है तो 9x16 कर लेना है और यहाँ पे सब चीज़ रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस यहाँ पर दिख रहा होगा तो प्लस पे क्लिक करना है डायरेक्ट आपको। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेगा, मीडिया में आने के बाद यहाँ से आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना। तो मैं चलिए वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस एक और बात, तो यहाँ पे अगर नोड में चलाने से पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले VPN को डिसकनेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए सबसे पहले VPN को डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे VPN को डिसकनेक्ट कर दिया और डायरेक्ट मैं यहाँ से नोड ऐप को अब ओपन करता हूँ। मैं देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट पे आपको मैंने आगे का सेटिंग बता दिया, तो मैं उतना करके वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे वीडियो भी ऐड हो गया है और मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जो जो सेटिंग था यहाँ पे वो भी मैं कर लेता हूँ, वो मैंने फिर से स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एसेट स्टोर करके जाना है और ऐसे स्टोर पे यहाँ पे ग्लो स्क्रीन करना है, ठीक है। ग्लो स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो मिलना ऊपर मिल जाएगा, उसमें आपको जो कलर चाहिए यहाँ से आपको वो कलर पर सबसे पहले ये करना है। यहाँ पर आपको ऊपर आना है, ठीक है। ऊपर आने के बाद ग्लो कलर पे क्लिक करना और यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ। ये इफ़ेक्ट में जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये कलर करना रखना चाहता हूँ तो ये कलर कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आगे फिर मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पे सेकेंड फ़ोटो पे मुझे कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, उसके बाद मैं सेकेंड कलर पे सेकेंड इफ़ेक्ट लगा देता हूँ, मतलब कलर चेंज कर रहा हूँ भी। उसके बाद मैं उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे आता हूँ। आ जा भाई, ये फ़ोटो में अदर कलर, तो अदर कलर के लिए अलग, तो ठीक है। इस तरह करते करते मैं इसमें थोड़ा सा बहुत सारे चेंजिंग कर करके अपने हिसाब से यहाँ पे बनाया हूँ। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने फ़ोटो में भी अलग अलग कलर डाला हूँ, तो वो आपको इतना कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अंदर बंद कर लेना, यहाँ पे 3 डॉट है, इसको अंदर से बंद करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर करना और यहाँ से आपको प्ले कर देना, जिससे ये आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होगा। और बीच से यहाँ पे क्लोज मत करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको क्लोज नहीं करना है और ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। ओके बाय, मिलते हैं।